आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है टेड, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे टेडी बियर को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी और चर्सी है और उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घबाघप करता है। लेकिन एक दिन उसे अपने मालिक के गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है और अब वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ही घबाघप करना चाहता है। इसके बाद क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें क्रिसमस का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा अपने घर से बाहर आ रहा होता है और उसका नाम जॉन है। जॉन काफी उदास रहता था क्योंकि कोई भी बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। रात में जॉन को क्रिसमस का गिफ्ट मिलता है जो कि उसके मॉम और डैड ने दिया था और वो गिफ्ट एक टेडी बियर होता है जिसका नाम वो टेड रखता है। जॉन टेड के साथ ही सोता है और वो बेड में लेटकर ऊपर वाले से दुआ करता है, काश उसका टेड जिंदा हो जाए। अगली सुबह जब जॉन उठता है तब वो देखता है टेड अपनी जगह पर नहीं है। इसके बाद वो अपने टेडी बियर को इधर उधर ढूंढता है, तभी अचानक टेड उसके पीछे आकर उसे आवाज लगाता है। टेड को बोलता और चलता हुआ देखकर जॉन बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है उसने अपनी विश क्रिसमस की रात को मांगी थी इसलिए शायद उसकी विश पूरी हो गई है। टेड यहाँ जॉन से काफी बातें करता है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज मीडिया में आ जाती है कि जॉन के पास एक बोलने वाला टेड है। टेड अब सोशल मीडिया पर भी बहुत फेमस हो जाता है, सारे टीवी चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। धीरे धीरे टेड एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद जॉन और टेड की दोस्ती बहुत पक्की हो चुकी थी। इसके बाद हमें मूवी में कुछ साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब जॉन बड़ा हो चुका है और वो टेड के साथ बैठकर सस्ता वाला नशा कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं टेड की उम्र नहीं बढ़ती है और वो 20 साल पहले जैसा था अभी भी वो उसी तरह है, लेकिन अब वो एक नंबर का ठरकी और चर्सी बन चुका है। ये लोग साथ मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और ये लोग दिन भर अपने रूम में ऐसे ही पड़े रहते हैं। जॉन एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम लिबर्टी है। इसके बाद हम लोग जॉन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम लॉरी है। लॉरी को टेड बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जॉन अपना ज्यादातर समय टेड के साथ बिताता था, जिस वजह से वो लॉरी को ज्यादा टाइम नहीं देता था। एक रात को जब जॉन और लॉरी घबाघप करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जोरों की बिजली कड़कती है जिसे सुनकर टेड की फट जाती है और वो दौड़ता हुआ जॉन के पास आता है और इन दोनों के बीच में आकर लेट जाता है। कुछ देर पहले ये लोग घपाघप करने का प्लान बनाए थे, लेकिन टेड की वजह से उनकी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है जिससे लॉरी का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम लोग लॉरी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ उसका बॉस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। अपने ऑफिस के बाद जॉन लॉरी के साथ एक डेट पर जाता है। ये लोग काफी दिनों बाद डिनर करने के लिए बाहर निकले थे। लॉरी यहाँ जॉन को समझाती है अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है तब तुम्हें टेड को छोड़ना होगा। जॉन बोलता है टेड मेरा इकलौता दोस्त है और मैं उसके साथ पिछले 25 सालों से हूँ, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं इधर हम लोग घर पर टेड को देखते हैं जो कि चार लड़कियों के साथ टीवी देख रहा होता है और वो इन सभी के साथ पार्टी कर रहा होता है। जब लॉरी घर पहुंचती है तब ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और वो जॉन को टेड को इस घर से बाहर निकालने के लिए बोलती है। जॉन टेड को बाहर नहीं निकालना चाहता था, लेकिन उसे लॉरी की बात मानकर ऐसा करना पड़ता है। जॉन अब ये चाहता था कि टेड भी अपने काम में ध्यान दे और वो भी अपने काम में बिजी रहे, इसलिए वो उसे एक जनरल स्टोर में काम दिलाने के लिए ले जाता है जहाँ उसका इंटरव्यू होता है। स्टोर का मैनेजर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इस स्टोर में काम कर सकते हो। टेड उससे कहता है मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हारी वाइफ को खुश कर सकता हूँ। टेड के इस जवाब को सुनने के बाद स्टोर का मैनेजर उसे जॉब पर रख लेता है। जब टेड को ये जॉब मिल जाती है तब जॉन उसे एक अच्छा सा फ्लैट दिलाता है क्योंकि लॉरी अब उसे अपने घर पर रखना नहीं चाहती है। साथ ही लॉरी ने जॉन को ये समझाया था कि उसे अब टेड के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जॉन टेड से मिलता था और ये लोग जब भी साथ में मिलते थे तब ये लोग सस्ता नशा करते थे। जब ये लोग एक दिन पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी एक डॉनी नाम का आदमी इनके पास आता है। उसके साथ उसका बेटा रॉबर्ट भी था और ये लोग जॉन से उसके टेडी बियर को खरीदना चाहते हैं। इस पर जॉन उन लोगों को साफ तौर पर मना कर देता है और वो कहता है टेड बिकाऊ नहीं है। लेकिन रॉबर्ट और डॉनी जाने से पहले जॉन को अपना नंबर और पता देकर जाते हैं। अगर उसका मूड जब भी हो तब वो टेड को उनके पास बेच सकता है। इधर लॉरी इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली जॉन ने टेड का साथ छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टेड को देखते हैं जो कि स्टोर में काम करने वाली लड़की को पटा रहा होता है और वो इस लड़की के साथ ऐसे ही सारे करता है कि वो उस लड़की को पटा लेता है। एक रात नहाते हुए टेड जॉन को कॉल करता है क्योंकि टेड का आज पार्टी करने का मूड था, इसलिए वो जॉन को कॉल करता है और अपने फ्लैट पर बुलाता है। ये लोग काफी दिनों बाद मिले थे इसलिए ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन टेड जिस स्टोर में काम करता था वहाँ काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन स्टोर का मैनेजर देखता है यहाँ सामान देने वाला कोई नहीं है। फिर यहाँ का मैनेजर जब टेड को ढूंढते हुए स्टोर रूम में आता है तब वो देखता है यहाँ टेड किसी लड़की के साथ घपाघप कार्यक्रम कर रहा है। ये देखकर मैनेजर टेड को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे ऐसा करने के लिए परमिशन देता है। उसी रात लॉरी जॉन को अपने बॉस के एक पार्टी में लेकर जाती है। ये लोग यहाँ एंजॉय कर ही रहे होते हैं तभी जॉन के पास टेड का कॉल आता है और वो उसे बोलता है भाई तू जल्दी यहाँ आ जा क्योंकि मैंने तेरे लिए बहुत सारी दारू और लड़कियाँ मंगवाई हैं। ये सुनकर जॉन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो लॉरी से झूठ बोलकर इस पार्टी से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा टेड के पास जाता है। यहाँ ये लोग जबरदस्त पार्टी करते हैं और साथ मिलकर कुत्ता डांस करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद लॉरी यहाँ आ जाती है और वो जॉन को टेड के साथ पार्टी करते हुए देखती है। ये देखकर लॉरी बहुत गुस्सा होती है क्योंकि लॉरी ने उसे टेड से दूर रहने के लिए बोला था। इसके बाद लॉरी जॉन से कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हूँ, इसलिए तुम मेरी बात नहीं सुनते हो और हमेशा टेड की बात सुनते हो, इसलिए अब तुम टेड के साथ ही घपाघप करना। लॉरी जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ये सब देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो टेड के साथ भी सारे रिश्ते तोड़ देता है। अगले दिन जब लॉरी ऑफिस जाती है तब उसके बॉस को पता चलता है लॉरी का ब्रेकअप हो चुका है। लॉरी का बॉस इस मौके का फायदा उठाता है और वो लॉरी को डेट पर चलने के लिए पूछता है। लॉरी जॉन से बहुत गुस्सा थी
इसलिए वो अपने गुस्से की वजह से उसे हाँ बोल देती है। जॉन की लाइफ का एल लगाने के बाद भी टेड उसके पास आता है और वो उसे बोलता है लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर गई है और उसका बॉस उसके साथ भयंकर पेलनक्रिया कर रहा है। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो टेड के साथ ही लड़ाई करने लगता है और वो टेड को ही बुरा भला बोलने लगता है। जॉन के ऐसा बोलने से टेड को भी बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत मारता है। इन दोनों की लड़ाई में घर की बहुत सी चीजें टूट जाती हैं। इसके बाद ये दोनों शांत होते हैं और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर लॉरी के पास जाते हैं जहां वो अपने बॉस के साथ डेट पर गई थी। यहां आकर जॉन स्टेज पर जाता है और वो लॉरी के लिए अरिजीत सिंह का गाना गाता है। इस गाने को सुनकर लॉरी उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है और वो अपने बॉस के साथ रात में होने वाले घबाघब कार्यक्रम को कैंसिल कर देती है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। रात में टेड लॉरी के पास आता है और उसे वो सॉरी बोलता है। वो कहता है ये सब मेरी ही गलती थी और मेरी ही वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है और वो कहता है तुम्हें जॉन से मिलना चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाऊंगा। लॉरी टेड की बात यहाँ मान जाती है और वो जॉन से मिलने के लिए जाती है। लॉरी के यहाँ से जाने के बाद डॉनी और रॉबर्ट यहाँ आते हैं और वो टेड को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं। रॉबर्ट उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है लेकिन टेड उसके साथ खेलने से साफ मना कर देता है, लेकिन इस बात से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो टेड का एक कान उखाड़ कर फेंक देता है। टेड ये देखकर बहुत डर जाता है और वो रॉबर्ट के साथ खेलने के लिए मान जाता है। इसके बाद ये लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। जब रॉबर्ट 100 तक गिनती कर रहा होता है तभी मौका देखकर टेड जॉन को कॉल करता है और वो जॉन से कहता है मुझे रॉबर्ट और डॉनी ने किडनैप कर लिया है, तुम जल्दी यहाँ आकर मुझे बचा लो क्योंकि ये लोग मेरे अंदर के सारी रुई निकाल कर मुझे मार डालेंगे। जब टेड जॉन से बातें कर रहा होता है तभी वहाँ पर डॉनी आ जाता है और वो जॉन के साथ कॉल करते ही वो टेड को देख लेता है। इसके बाद ये लोग उसे कार की डिक्की में बंद कर देते हैं और कार में उसे कहीं ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन इन लोगों को देख लेता है। यहाँ से भागते हुए डॉनी की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार एक खंभे से टकरा जाती है। इसके बाद टेड उनकी कार से बाहर निकलता है और वो एक खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन डॉनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो भी उसके पीछे उस टावर पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉन और लॉरी भी पहुँचते हैं। वहीं दूसरी ओर जब टेड टावर पर चढ़ रहा होता है तब डॉनी उसका पैर पकड़कर खींचता है जिससे टेड दो टुकड़ों में फट जाता है और वो दो टुकड़े होने के बाद जमीन पर गिर जाता है और उसकी अंदर की रुई निकल जाती है। इसके बाद जॉन और लॉरी उसके रुई को इकट्ठा करते हैं। घर लाने के बाद वो लोग उसे सिल देते हैं, लेकिन टेड अब फिर से जिंदा नहीं होता है। ये देखकर जॉन बहुत उदास हो जाता है। टेड को देखकर लॉरी गॉड से प्रे करती है ताकि गॉड फिर से टेड को जिंदा कर दे। सुबह होने पर जॉन टेड के पास आता है और वो बहुत मायूस था क्योंकि उसे पता था कि फिर से टेड अब जिंदा नहीं होने वाला है और वो उसके सामने आकर रोने लगता है, लेकिन तभी टेड अचानक उठता है और वो जॉन को सरप्राइज देता है। उसे जिंदा देखकर जॉन और लॉरी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने का फैसला करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं जॉन और लॉरी शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर टेड भी उस लड़की के साथ शादी कर लेता है जिसे उसने स्टोर रूम में घोड़ी बनाकर उसके साथ घबाघब किया था और ये मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है।